दस ग्यारह बारह। यार तुम्हारा ये वार्म अप सेट था या वर्किंग सेट था? क्योंकि 12 रेप्स तो बहुत ज्यादा इजीली आ गए, इससे ज्यादा रेप्स आ सकते थे बहुत आसानी से। अरे मेरे पहले सेट में 12 ही रेप है, जब ही मैंने 12 ही लगाया। मेरे भाई बस यही तो रीजन है, फिर तुम बोलते हो अच्छी तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। चलो मैं समझाता हूँ। ये तब की पिक्चर है जब मैं इस गलती को हमेशा करता था जिम में आने के बाद, और ये है अब की पिक्चर जब मैं इस गलती को कभी भी नहीं दोहराता। और वो गलती है टेक्निक फेलियर, सिंपल शब्दों में बोलूं तो क्लोज टू मस्कुलर फेलियर तक ट्रेन ना करने की। यानी कि आपका पहला सेट हो या फिर आखिरी सेट हो, आपको वेट हमेशा सही चूज करना है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो आपको अगर पहले सेट में लगाने हैं फॉर एग्जांपल 12 रेपिटेशंस, तो आपको ऐसा ही वेट चूज करना है। यानी कि फिर उस वेट से आप पे 12 के आसपास ही रेपिटेशंस आए, और उससे ज्यादा रेपिटेशंस नहीं आए बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में, बिल्कुल ऐसे। अब देखो वेट इतना ज्यादा हैवी भी मत ले लेना कि जितने रेप्स आपको लगाने थे फिर उससे आधे रेप्स भी ना निकल पाए, और इतना ज्यादा लाइट भी मत ले लेना कि जितने रेप्स लगाने थे उससे 10-12 रेप्स और ज्यादा कर पाओ बड़ी इजीली। तो बस इसी फॉर्मूले को सारे बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई करो और फिर देखो ग्रोथ होगी एकदम फास्ट।